हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। फ्रेंड्स, जो वीडियो है आज का डेकोरेशन का है, जैसे कि आपने टाइटल में दिखा ही है कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ आइडियाज सेंटर टेबल को हम कैसे डेकोरेट करें। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक टेबल सीट डाल रही हूँ अपनी सेंटर टेबल पर। और गाइस, ये सेंटर टेबल का जो टेबल सीट है ये मैंने ही बनाया है और इसका पेंटिंग का वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगी तो आप देख सकते हैं। तो गाइस, वैसे ये सिंगल कलर से मैंने पेंट की हुई है, बहुत प्यारी सी मतलब टेबल सीट बनी हुई है मेरी। अगर आप चाहें गाइस तो रनर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे टेबल सीट पूरी अच्छी ज़्यादा लगती हैं तो मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैंने ट्रे ली हुई है, वुडन ट्रे है, और इस पे मैंने एक अपना जो करवा मैंने जैसे कि डेकोरेट किया था पॉट, तो वही रखा हुआ है। और एक अगेन मैंने छोटा सा पॉट रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने जो करवा जो था मेरा, आपसे गाइस मैंने पूरा इसका वीडियो शेयर किया हुआ, इन सारे जो भी मैंने ये बनाए हुए हैं DIY, इनके सारे वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। और गाइस, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसमें जो मेरा पॉट है उसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया है, और गाइस लुक बड़ा अच्छा आया है। और मैंने यहाँ पर अपना रिमोट रख दिया है, तो ऑल ओवर सेंटर टेबल का लुक बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस, अगर आपको ये टेबल सीट नहीं डालनी है तो आप ऐसे भी मतलब डेकोरेट कर सकते हैं सिंपली। तो सेकेंड आइडिया के लिए गाइस, यहाँ पर मैंने अगेन ये वुडन ट्रे अपनी ली हुई है। आपके पास जो भी ट्रे हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मैरीगोल्ड के फ्लावर्स लगा दिए हैं, क्योंकि हम दिवाली के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं सेंटर टेबल का, तो फ्लावर्स तो बनता ही है। मतलब फ्लावर आप लगाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और गाइस, कुछ फ्लावर्स येलो वाले जो थे, लाइट येलो, वो थोड़े से कम थे तो मैंने डार्क येलो मतलब यूज़ किया हुआ है। और ट्रे की अंदर साइड में मैंने यहाँ पर वाइट गुलदावती के फ्लावर्स लगाए हुए हैं। गाइस, आपके पास जो भी फ्लावर हो मतलब यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर अगर रोज़ है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, रोज़ तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। दीपक रख दिए हैं मैंने और उसमें कैंडल्स लगा दिए हैं। डायरेक्ट आप दीपक भी रख मतलब दीपक जला सकते हो फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पर एक अपना जो ड्राई फ्रूट बॉक्स है वो रख दिया है, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब रखना होता है, तो ड्राई फ्रूट से अच्छा ऑप्शन नहीं होता है दिवाली के लिए। तो गैस बहुत अच्छा है इस तरह। सो फ्रेंड्स, कैंडल्स जलने के बाद बहुत अच्छा सा लुक आया है, और जो सेंटर टेबल है गैस बहुत सुंदर दिख रहा है हमारा। और नेक्स्ट आइडिया के लिए गाइस, मैंने यहाँ पर ग्लास बोल्स लिए हुए हैं, उनके अंदर मैंने पेटल्स डाली हुई हैं गुलाब की। और यहाँ पर मैं पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो आप फ्लोटिंग स्टाइल में आप बना सकते हैं और पानी इसमें डाल सकते हैं, उसके ऊपर से आप मतलब ये पत्तियाँ रख सकते हैं। और आगे बीच में मैंने एक रख दिया है अपनी मटकी जो कि मैंने डेकोरेट की हुई थी। गाइस, पूरे इनके वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाके आप चैनल पे, नहीं तो आप बीच में कोई और भी डेकोर पीस भी यहाँ पर रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं गाइस मैं जैसे कर रही हूँ वैसे करें, बट ये जो बोल्स वाला आइडिया है बहुत अच्छा है। और बोल्स की जगह पर आप ग्लास भी रख सकते हैं, कांच के अगर आपके पास ग्लास है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी प्यारा सा लुक आया, सिंपल सा है, बहुत जल्दी बनने वाला गाइस ये डेकोरेशन है। आप इजली आप इसको दिन में बना लीजिए और शाम को डायरेक्ट आप कैंडल्स जला दीजिए, तो बिल्कुल भी आप मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा आइडिया। और गाइस, जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अगर पहली बार वीडियो आप देख रहे हैं मेरा, तो आपको बता दूँ कि अपलोड करती रहती हूँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़। गाइस, यहाँ पर मेहंदी और पेंटिंग की आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो गाइस, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ली मेरे चैनल को। और गाइस देखिए, सेम मैंने वही रखा हुआ है बोल्स, वैसे ही बीच का जो आइटम है वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, और वास्तव में लुक बहुत अच्छा आ रहा है। गाइस, जब भी हम कहीं भी ग्रीनरी ऐड करते हैं, मतलब कोई भी प्लांट या कोई ग्रीनरी हम ऐड कर देते हैं कोई भी एरिया में, कॉर्नर में या किसी भी टेबल पर, तो गाइस लुक यकीन मानिए बहुत अपने आप ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। और गाइस, नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली हुई है स्टील की, और उस पर मैंने ये फ्लावर्स इस तरह से एडजस्ट कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ तो बहुत सुंदर लगेंगे यहाँ पर। और बीच में मैं कुछ गुलाब की पेटल्स मतलब डाल दूंगी। और मैंने जो अपना ड्राई फ्रूट बॉक्स है वो हटा दिया है, आपकी इच्छा है आप रखें तो रख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ यहाँ पर। और देखिए लुक जो लाइट्स ऑफ के बाद बहुत प्यारा सा आया है, और बीच में मैंने अपनी मटकी सजा के रख दी है, तो बहुत खूबसूरत सा लुक है। आप कोई भी आइडिया इसमें ट्राई कर सकते हैं इस बार दिवाली पर। और
फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आगे मतलब पिछले वीडियो काफ़ी सारे इस तरह के एड मतलब डाल रही हूँ आजकल, काफ़ी सारे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाके। और देखिए, सिंपल से मैंने सारा कुछ हटा दिया है और वही बोल्स रखे हुए हैं नेक्स्ट मतलब डेकोरेशन के लिए, और अपना वही पॉट रख दिया मैंने, करवा रख दिया है, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट बॉक्स रख दिया है। तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई डेकोर पीस या फिर कोई भी जो मूर्ति होती है, शुभ मानते हैं, लाफिंग बुद्धा वगैरह, कुछ कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं गाइस। तो काफ़ी प्यारा लुक आ जाता है और पूरा सा मतलब चेंज हो जाता है, पूरा हमारा ड्राइंग एरिया जो है रियली बहुत खूबसूरत लगने लगता है। और लास्ट आइडिया के लिए गाइस, मैंने यहाँ पर टेबल सीट को हटा दिया है और मैं ऐसे ही डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो देखिए, सिंपल सा मैंने बस वही यहाँ पर जो प्लेट मैंने पिछले आइडिया के लिए जो मतलब रेडी की हुई थी वही मैंने रखी हुई है, और पूरी टेबल पर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं जो हमारे मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स होते हैं उनकी पेटल्स डाल दी हुई पूरे में अच्छे से इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे रोज पेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। और कॉर्नर पर मैंने वही ग्लास बोल्स लगा दिए हैं और काफ़ी प्यारा सा लुक आया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो ज़्यादा इसमें दीपक भी ऐड कर सकते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा सा डेकोरेशन कौन सा लगा, आइडिया कौन सा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सो गाइस, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।